गाइज़, आई होप आपने मेरा पहला लेक्चर देख लिया है हिस्ट्री का, जो मैंने व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन में लेक्चर फर्स्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्क्राइब किया था, जैसे कि वेयर वी कैन नो अबाउट द पास्ट, वेयर दे लीव, नेम ऑफ द लैंड, भारत का नाम भारत और इंडिया कैसे पड़ा, कहाँ पे लोग कैसे रहते थे, हमें क्या पता है अपने पास्ट के बारे में, क्या सोर्सेज है हमारे पास्ट के. ओके, तो आज हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, वन पास्ट और मेनी, वॉट डू डेट्स मीन. ओके, ये तीन क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. आई होप आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दो सब्सक्राइब, ताकि आपको जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चल जाए, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. ओके, तो हमें कैसे पता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था? तो बेस्ट, ये बेस्ट तरीका है किसी पास्ट के बारे में जानने का, कि हम बुक्स को पढ़ें, फ्रॉम बुक्स. ठीक है, बहुत सारे बुक्स हैं पुराने ज़माने के, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ पास्ट में ये घटना घटी थी. तो उसमें से मनुस्क्रिप्ट मेन बुक है, मनुस्क्रिप्ट हमारा मेन सोर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में ये घटना घटी थी, पास्ट में ऐसे ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था, क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था, हमें मनुस्क्रिप्ट से पता चलता है. ओके, मनु को अगर हम तोड़ दें, अगर तो मनु मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेटर्स और साइन. ठीक है, मतलब कि हाथ से लिखी हुई ये पुस्तक थी, जो कि लेटर्स और साइंस से, लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट्स और साइंस का यूज़ करके मनुस्क्रिप्ट को लिखा गया है हाथों से. ठीक है, तो वो किस पे लिखा गया था? पाम्स लिप्स पे लिखा गया था. पाम्स के जो लीव्स होते हैं वो ताड़ के पेड़ जैसे ऐसे ऐसे होते हैं. ओके, इनको तोड़ के काट के पेपर्स, ये एक बुक्स बुकलेट में, बुक्स में डिवाइड, बुक्स बना करके उसमें मनुस्क्रिप्ट लिखी गई थी, वहाँ के कल्चर्स के बारे में क्या चीज़ें थी. वो किस पे था? बार्क ऑफ ट्री, इसको बिर्च, बिर्च बोलते हैं. ये बिर्च जो है वो ग्रो होते हैं बेसिकली हिमालयाज में. यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो ईजिली कट हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, जिनको जो बुक्स बनाने में काफ़ी आसानी सहायता मिल जाती है. ठीक है, तो इसी, तो फिर हम क्या देख रहे हैं कि मनुस्क्रिप्ट, हम पढ़ मनुस्क्रिप्ट में पुराने ज़माने के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, सोर्सेज जो हमें बताती हैं कि पुराने ज़माने में किस तरह के बुक्स, किस तरह के ट्रेडिशन फॉलो होता था, किस तरह कल्चर फॉलो होता था, और क्या चीज़ें होती थी. मनुस्क्रिप्ट क्या है? मनुस्क्रिप्ट है, मनु मतलब हैंड, स्क्रिप्ट मतलब है लेटर्स और साइन. ठीक है, हम पाम लिस्ट पे इसको लिखते थे, जो कि बार्क ऑफ ट्री, जिसको बिर्च बोलते हैं. ये बिर्च जो है वो हिमालयाज में ग्रो होते हैं, जो कि बिर्च जो है वो हिमालयाज में ग्रो होते हैं, एंड जो ये ट्रीज़ हैं वो ईजिली कट और बेंट हो जाते हैं. इनको प्रिजर्व किया गया है टेम्पल्स में, टेम्पल्स मतलब मंदिर, और मॉनेस्ट्री मतलब मॉन्क, मठ, जहाँ भिक्षु वगैरह, सन्यासी वगैरह रहते हैं, उनको मॉनेस्ट्री में और टेम्पल में प्रिजर्व किया गया है. तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मनुस्क्रिप्ट का एक मैंने फ़ोटो लगाया है, जिससे कि इस तरह से है कुछ मैन्युस्क्रिप्ट दिखता है. ठीक है, लेकिन ओवर द ईयर्स के साथ साथ क्या हुआ कि इस, ये जो जितने भी ये जो थी तुम्हारी, आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसको इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट के द्वारा खा लिया गया, इसकी वजह से वो डिस्ट्रॉयड हो गए. बट कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ही हमारे पास जो सर्वाइव हैं, जो जिनको प्रिजर्व करके टेम्पल और मॉनेस्ट्री में रखा गया है. ठीक है, ये जो बुक है वो किस चीज़ें में डील करती है? वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ये बुक को लिखी गई है, जैसे कि ये उस समय क्या बिलीव था, क्या प्रैक्टिस था, वहाँ पे लाइफ कैसी थी किंग की, मेडिसिन क्या क्या था उस समय यूज़ होता था, क्या साइंस था, उस समय की स्टोरीज़ क्या थी, कैसे पोएम्स थे, क्या प्लेज होते थे. और ये जो लिखी गई है मनुस्क्रिप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो प्राकृत में लिखी गई है, प्राकृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज. प्राकृत लैंग्वेज जो है उस समय की कॉमन लैंग्वेज थी, जो पीपल उस समय प्राकृत लैंग्वेज ही बोला करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है. कि अभी हम अगर इंडिया की बात करें तो हिंदी इंडिया में बहुत ज़्यादा बोली जाती है, तो हिंदी के रिस्पेक्ट आप समझ सकते हो कि प्राकृत लैंग्वेज उस समय की मेन लैंग्वेज थी, जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज़ करते थे, आम भाषा में लोग यूज़ करते थे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. ओके, एक तो हमारा हो गया मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे, वो है हमारे इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा हार्ड सरफेस लाइक स्टोन या मेटल की अगर हम बात करें, ओके, स्टोन या मेटल, इस पे लिखी हुई कोई भी चीज़ जिसे हम पता चलता है कि पुराने ज़माने में क्या है, ठीक है, कैसे था, क्या था उनके, तो
हम उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन बेसिकली हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे कि स्टोन या मेटल, ठीक है। ये जो हमें मिला है वो भी हमें तीन लैंग्वेज में मिला है, बेसिकली संस्कृत, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज में, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन थे वो राजा महाराजाओं के द्वारा ऑर्डर्स अपने दिए जाते, जैसे कि आज के टाइम में अगर अगर गवर्नमेंट अपनी ऑर्डर देती है तो गजट निकालती है, ठीक है, पेपर्स में आते हैं, लॉज बुक होते हैं, उसमें लिखा जाता है। उस तरह से पुराने ज़माने जब किंग्स अपने ऑर्डर्स दिया करते थे, वो क्या करते थे कि वो इंस्क्रिप्शन करवा देते दे थे, एक स्टोन पे अपने सारे ऑर्डर्स लिखा देते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ ये ऑर्डर्स है और उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ओके। और कुछ अदर भी इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि मैन और वेमेन वेमेन दोनों ने मिलकर लिखवाए हैं, ठीक है, तो वो भी हमें मिले हैं, जिसमें पता चलता है कि हाँ पुराने ज़माने में इंस्क्रिप्शन भी लोगों का क्या रूल्स रेगुलेशन था, क्या कल्चर था, उससे हमें ये पता चलता है, ठीक है। तो ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है जो कि अशोका का इंस्क्रिप्शन है, जो 2250 ईयर्स पुरानी है, कंधार में मिली है, जो कि अभी प्रेजेंट है अफगानिस्तान में। इसमें जो ऑर्डर्स हैं वो अशोका के ऑर्डर्स, कि जो किंग अशोका है उनके ऑर्डर्स को इसमें इंस्क्राइब किया गया है। बेसिकली यहाँ पर दो लैंग्वेज का यूज़ किया गया, ग्रीक और एरेमिक, ठीक है। टॉप में जो है वो ग्रीक लैंग्वेज यूज़ की गई है, ओके, और यहाँ पे एरेमिक लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है। अब हमारा पहला जो था वो मनुस्क्रिप्ट था, दूसरा था हमारा इंस्क्रिप्शन, और तीसरा है आर्कियोलॉजिस्ट, ओके। आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जो कि पुरानी जो जो चीज़ें होती है, जो कि पास से जो चीज़ें हमें मिलती हैं एक्सकवेट करके, जैसे पेंटिंग हो गई, स्कल्पचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, इन सब चीज़ों से, पॉट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक्सकवेट करते वक्त मिली है, या पुराने ज़माने की कोई भी ऐसी चीज़ें, तो उसको देख के वो पता लगाता है कि हाँ उस समय के क्या कल्चर थे, उस समय का क्या ट्रेडिशन था, उस समय लोग क्या फॉलो करते थे। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली एक ऐसा इंसान होता है जो कि स्टडी करता है पुरानी चीज़ों का, ओके। वो बिल्डिंग, जैसे कि पुराने ज़माने के बिल्डिंग जो थे वो क्या स्टोन यूज़ करते थे, क्या ब्रिक था, कैसी पेंटिंग थी, क्या स्कल्पचर था, वो एक्सकेवेट करते हैं, खोदते हैं धरती को, ताकि उसमें से कुछ टूल्स अगर वेपन्स पॉट मिलते हैं, जैसे ये पॉट हो गया, ये पॉट मिला है हमें पुराने ज़माने का, तो इससे हमें पता चलता है कि हाँ वो लोग बेक्ड क्ले यूज़ करते थे, मेटल यूज़ करते थे, क्या बोन था उनका, बोन अगर मिलता है तो बोन से पता चलता है कि वो क्या खाते थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हार्ड होते हैं वो तो देखो वो तो रह जाते हैं, जैसे स्टोन हो गया, उससे हमें पता चल जाता है वो लॉन्गर टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो जैसे कि जो चीज़ें जल गई है, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है, जिसकी लाइफ कम होती है, तो उससे तो वो चीज़ें जब ख़राब हो जाती है तो उससे थोड़ी परेशानी होती है कि हमें क्या मतलब पास्ट के बारे में जानने में, ठीक है। तो बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट वो इंसान होता है जो कि पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, उससे कुछ निष्कर्ष निकालता है कि हाँ ऐसा होता था पुराने ज़माने में, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एनिमल्स, बर्ड, फिश सबके बोन्स भी देखते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि वो पुराने ज़माने के लोग, पुराने ज़माने के जो पीपल थे वो क्या खाते थे मतलब पास्ट में, ठीक है। कुछ प्लांट्स जो सर्वाइवल है, प्लांट्स का जो कुछ रिमेन्स है बहुत ही कम सर्वाइव है, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, पैलिसेबल प्रोडक्ट, पैलिसेबल गुड्स होते हैं, जो कि तुरंत ख़राब हो जाता है, कुछ टाइम पीरियड बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन रेयरली कुछ कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि जले हुए कुछ ग्रेन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ उस समय क्या ग्रेन उपजाए जाते थे, लोग ग्रेन्स भी खाते थे, ठीक है, ओके। तो अभी हमने देखा कि हिस्टोरियन जो हैं वो क्या क्या चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था। मनुस्क्रिप्ट हो गया, आर्कियोलॉजी की कुछ चीज़ें होती है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं पुराने ज़माने के, जिससे उन्हें पता चलता है कि हाँ ऐसा था, इंस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन पास्ट और मैन, जैसे आपने बुक का टाइटल देखा होगा, आवर पास्ट है, ठीक है, पास्ट है ना कि पास्ट, ओके। ये पास्ट इसलिए है क्योंकि पास्ट एस इसलिए एस जो लगा हुआ है एस इसलिए लगा हुआ है इसके अंदर क्योंकि ये हमारा जो पास्ट है वो एक नहीं है, बहुत सारा पास्ट है, मल्टीपल पास्ट है, ठीक है। जैसे कि राजा महाराजाओं की बात करें तो उनका जीने का तरीका दूसरा था। अगर हम फार्मर्स की बात करें तो उनका तरीका जीने का दूसरा, अगर हर्डर्स की बात करें, अगर हंटर्स की बात करें, तो सबका लिविंग स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट था। तो किसी भी टाइम के लिए पास्ट एक नहीं हो सकता है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट पास्ट रहा है। अगर हम आज के प्रोस्पेक्टिव में देखें तो
अगर अगर हम कुछ 100 साल 200 बाद साल अगर हम आगे जाएंगे, तब तक हम नहीं रहेंगे, तो हमारे जो हमारे बारे में जो लोग अध्ययन करेंगे वो हमारे जो चीज़ें रिमेन्स रह गई उनसे अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर जहाँ पे मोस्ट पॉपुलेटेड पॉपुलेटेड जगह है, जहाँ पे बहुत चीज़ें डेवलप्ड है, तो वहाँ तो वो आराम से पता लगा लेंगे कि हाँ ठीक है, हम आराम से हम बहुत लैविश लाइफ जीते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी एरियाज, जैसे अंडमान निकोबार का जो एरियाज है, वहाँ बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ के जहाँ पे लोग आज भी फार्मिंग करते हैं, बाहर की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वहाँ का पास्ट डिफरेंट होगा, ओके। तो हर जगह पे पास्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो वन पास्ट और मैनी में हमें ये बताना चाह रहे हैं कि पास्ट हमारे एक नहीं है, बल्कि बहुत सारे हैं। हर हर लोगों के हिसाब से पास्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, व्हाट डू डेट्स मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा होगा कि हमारे डेट्स डेट्स में कहीं तो BCE लिखा होता है, बिफोर BC लिखा होता है, बिफोर क्राइस्ट। कहीं पर लिखा होता है BCE, बिफोर क्रिस्टन एरा। कहीं पर लिखा होता है AD, एनो डोमिनी। कहीं लिखा होता है कॉमन एरा, ठीक है। तो क्यों लिखा होता है, बहुत बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा क्यों लिखा है, AD क्यों लिखा है, BC क्यों लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर हम टाइमलाइन को देखें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ज़ीरो कर दें, तो ये हमारा AD हो जाएगा, ओके। ये हमारा हो जाएगा PC, ठीक है, ओके। 100, 200, एंड हेयर एंड हेयर, ओके। अगर हम ज़ीरो से पहले की बात करें, ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि इधर वाला जो एरा है वो क्राइस्ट यीशु मसीह जो थे उनके जीवन के पहले का एरा है, और यहाँ वाला जो एरा है वो यीशु मसीह के बाद के जीवन का एरा है, ठीक है। तो हम यहाँ वाला एरा को बेसिकली हम BC से दिखाते हैं, ओके। किसे दिखाते हैं, BC से दिखाते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट। और यहाँ वाले एरा को हम क्या दिखाते हैं, ये आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, AD से दिखाते हैं, एनो डोमिनी, इन द लॉर्ड ऑफ, या फिर इन द ईयर ऑफ लॉर्ड भी बोलते हैं, या कॉमन एरा भी बोलते हैं, ओके। CE भी बोलते हैं और AD भी बोलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम बोलते हैं BC। तो ये जो होता है ये बैकवर्ड काउंटिंग होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 100, यहाँ 200, यहाँ पे ऐसे होगा। अगर यहाँ पे 200 है, 100, 50, और यहाँ पे क्या होगा, 100, 200। यहाँ जैसे हम अब चलते ये बढ़ते हुए क्रम से जाएंगे, 200 ट्रेन यहाँ पर घटते हुए क्रम से जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो है, ये बिफोर, ये क्राइस्ट के जन्म का टाइम माना जाता है, ठीक है। क्राइस्ट के जन्म के पहले को हम यहाँ पे हम लोग ये हो गया AD और ये हो गया PC, ये हो गया 0, ये हो गया 100, ये हो गया 200 एंड ये हो गया 100, ये 200, ओके। यहाँ जैसे हम बढ़ रहे होते हैं 100, 200, 300, इस साइड हम ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम से। यहाँ घटते हुए क्रम से आता है। अगर यहाँ पे 200 है तो बाद में 100 आएगा, ओके। तो इसलिए हमने देखा होगा कि कहीं 3 लाख से 1750 तक एक ईयर एक कोई जनरेशन चला था, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो वो इसलिए होता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है वो घटते हुए क्रम से होता है। तो हम अगर हम ये ज़ीरो से इधर जाएं, तो 100, 200, फिर 300, 400 ऐसे होगा। 300 के बाद 200 आएगा, 200 के बाद 100 आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 100 के बाद 200 आएगा, ओके। AD में क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम से जाते हैं, और BC में क्या होता है, घटते हुए क्रम से जाते हैं, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ओके गाइस। आप ये प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर दबा देना। आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, वो, ओके। थैंक यू सो मच।